नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल PST क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, खुशखबरी निकल के आ रही है। जिस गाड़ी का इंतजार था फाइनली 3 महीना से, वह गाड़ी आ चुकी है। देख लीजिए, नोटिफिकेशन जारी किया गया है विभाग के तरफ से ऑनलाइन प्रक्रिया करने के लिए और ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए, जो कि इस वीडियो में डाउनलोड करके बताने वाले हैं। देख लीजिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 2023 बिहार अमीन के 10,101 पोस्ट पर अपडेट निकल के आ रही है। आ गया बिहार अमीन की बहाली, आवेदन शुरू, जल्दी करें आवेदन। तो दोस्तों विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस वीडियो में डाउनलोड करके बताने वाले हैं। ऑनलाइन करने में कितना पेमेंट लगता है, कौन कौन डॉक्यूमेंट लगता है, कब तक ऑनलाइन का डेट है, सारी जानकारी 1x1 करके बताने वाले। इसलिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वे सभी स्टूडेंट के लिए जो बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जॉब करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करके बता रहे हैं जो कब से फॉर्म ऑनलाइन हो रही है, आप वीडियो में बने रहिए। देख लीजिए दोस्तों, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, आगे देख लीजिए, भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय पटना, राजस्व सर्वे देख लीजिए, प्रतीक्षा संस्थान सर्वे भवन शास्त्री नगर पटना, सूचना विज्ञापन संख्या 10/2022-23, राजस्व सर्वे देख लीजिए, परीक्षण केंद्र बौद्ध गया में, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अंतर्गत नवयुक्त पदाधिकारियों कर्मियों तथा अन्य राजस्व विभाग राजस्व विभागीय पदाधिकारियों कर्मियों को प्रशिक्षण देने हेतु बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम तथा प्रावधानित नियमावली एवं सर्वे कार्यों के जानकार तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी अन्य अधिनियमों नियमों के जानकारी रखने वाले प्रशिक्षकों का पैनल तैयार किया जाना है। प्रशिक्षकों के पैनल निर्माण के लिए अर्हता एवं शर्तें निम्नलिखित है, देख लीजिए एक बार। पहला नियम देख लीजिए, आवेदक बिहार प्रशासनिक सेवा या बिहार राजस्व सेवा में कार्यरत या सेवा निवृत्त हो। दूसरा दिया, राजस्व एवं राजस्व संबंधित अधिनियमों नियमावली बिहार सर्वेक्षण विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त से संबंधित अधिनियमों एवं नियमावली की जानकारी रखते हो। तीसरा दिया है, प्रशिक्षकों का मानदेय प्रति व्याख्यान प्रशिक्षण बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा निर्धारित दर के अनुसार देय होगा। साथ ही मार्ग व्यय पिपार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार देय होगा। अगला दिया, सरकारी या संस्थान का वाहन प्रयोग न किए जाने की स्थिति में निर्देशक भू अभिलेख एवं परिमाप की अध्यक्षता में गठित त्रि सदस्यीय समिति द्वारा पैनल का निर्माण किया जाएगा। इच्छुक आवेदक विभिन्न प्रपत्र में अपने फोटो के साथ पूर्ण आवेदन यथा आवश्यक अनु देख लीजिए अनुलग्नकों के साथ निर्देशक भू अभिलेख एवं परिमाप बिहार पटना को दिनांक 31/3/2023 के 5 बजे अपराह्न तक उपलब्ध करा सकेंगे। निर्देशक भू अभिलेख एवं परिमाप बिना कारण बताए इस विज्ञापन को रद्द स्थगित करने के लिए सक्षम होंगे। आवेदक प्रपत्र देखिए, प्रपत्र भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय बिहार पटना के वेबसाइट देख लीजिए, वेबसाइट भी दिया हुआ से अपलोड डाउनलोड किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर भी दिया गया है। अनिल कुमार सिंह, सहायक निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय। तो दोस्तों इसका पूरा कहानी बताते हैं, या कहना क्या चाह रहा है देख लीजिए। विभाग के द्वारा जो पहले ही से इसमें जॉब करता हो और इसके बारे में जानकारी रखता हो, तो वह प्रशिक्षण के लिए उसके लिए एक पैनल को गठन किया गया है, जो इसके बारे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बारे में हुआ आपको प्रशिक्षण दे सके, उसके बारे में इसमें दिया गया है। देख लीजिए पूरा, अगर इसमें आप भी पहले ही से जॉब करते हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में, तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप भी इसमें भाग ले सकते हैं, देख लीजिए। तो दोस्तों जो अभी अपडेट निकल के आई है, तो इसमें आप लोग भी भर सकते हैं, देख लीजिए वेबसाइट पर दिया हुआ है। तो वेबसाइट भी हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से भी आप देख लीजिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं और
अगर वैसे डाउनलोड नहीं करना चाहते तो पीएचटी का इसके टेलीग्राम पर हम दे दिए, टेलीग्राम पर ही डाउनलोड करके इसको अच्छा से एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा जो ये नोटिफिकेशन क्या चीज़ के लिए दिया गया है और विभाग के द्वारा जो जारी क्यों किया गया है। तो अच्छा से एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा और कोई भी दिक्कत अगर समझ में नहीं आती है तो कमेंट के माध्यम से बेहिचक पूछ सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए, ऐसा ही वीडियो पाने के लिए जैसे ही कुछ अपडेट आएगा, वीडियो बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो जो जानकारी देने वाले थे इस वीडियो में हम आपको दे चुके हैं, फिर भी आपके मन में सवाल चल रही है तो बेहिचक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।